नीह शीह बन गई जी सही ठीक है। एक शेप जी बन के सामने आ गई। हाँ जी स्टैला जी आराम कर रहे हो जी? आज स्टैला लो जी वीर माशाल्लाह नमाज हो गई है ठीक है। लो जी इधर मिस्त्री साहब आ गए ठीक है। एक मजदूर आ लगा दूजा मजदूर चलो जी साहब आ जी इतने मसाला सीमेंट। लो जी अल्लाह खैर करे जी लो जी सीमेंट भी आ गया है जबरदस्त हो गया जबरदस्त। इन्हें लगे हो जनाब कल्टी देन इट गिली करके अंदर ले आए जी ठीक है जी। इतने लगे उन्होंने खोडे बना अदनान साहब सूत्रा ला रहे जी कांडी ठीक कर रहे जी। काम छड़े कई साल हो गया मेरा मिस्त्री की दुकान ही खराब खराब हो पी है तो इन्हें लगे सैट कर इतने लगे सीमेंट के नाल वार लाने वास्ते जो तैयार करा तो तुम भी इंशाला भी विखावे। लो जी बिस्मिल्लाह पढ़ के तो पहला वार लगना शुरू हो गया जी नीह का माशाल्लाह इतने कैमरे में भी नज़र आ रहा दरान साहब बिल्कुल सीधा वार लगा जी है। लो जी नीह का वार लाया ताकि इन्होंने पैर बराबर हो जाए। वैसे थले भी फरिश्ते ईटा ही लगिया हुई ने बड़ा ले गया क्या एक दफा बराबर हो जाएगा कबूतर उड़ते तो हवा लगती है सर दिन उड़ते रहने तो चंकी भरी हवा लगे तो है बराबर जो कभी वार लग जाएगा उधरों इंज भी तो इधरों सेंटर के भी इस तरह भी दीवार लगे बराबर हो जाएगा काम फिर इस साइड नो भी तो फिर बिचों की पार्टीशन करा। लो जी हूँ वीर इतने बाहर ही कंध में लगे इधर लकड़ियाँ ठोकन ये दम कर लगे ताकि बारिशा बुरशा आने डिगे डिगे डुगे ना है ना पढ़ाई करके तो लकड़ा ठोकन लगे। हाँ जी हिल रही है हसदा है पक्की हो जाऊगी फिर नंघाओ अल्लाह ना लैके फिर इन। चलो जी तो वेले वेले लग रहे हैं ताकि दीवार जी मजबूत हो जाए कोई प्रॉब्लम ना बने ये हरकत से गल नहीं हैगी सिर्फ इस करके ठोक रहे ताकि जो ना अपना ये उधरों तरपाल बननी है तो रस्सियां लमकावे इस हिसाब न कि शाम को खोल लिया करिए तो दिन बेशक बंद लिया करिए क्योंकि शाम को बहना बुना हों दीवार उच्ची होगी अंदर हवा नहीं है करनी तो इस करके तरपाल लाने वास्ते ना वो करना पैना। तो एक तरीका सरदार साहब होर आ पहले तरपाल के सुराख वेखिए मानते ना जावा बेंच रख के चलो जबरदस्त हो गया जी। लो जी वीर तरपाल भी लग गई है ठीक है क्योंकि हम गर्मी आस्ता आस्ता तुम पता वध ही जा रही अंदर भी बड़ा सेक होता जाना बरांडे से हम तरपाल लग गई हवा भी क्रॉस होगी जानवरों ने सुकून होगा तो मलका जो सामने छांत बनी क्योंकि अंदर अति काम लगे हुए करन तो पहले तरपाल ला लीए। चलो जबरदस्त हो गया बाहर भी बज गई है एक उधर दरखत ना बनी है तो एक कैस दरखा ना बज गई है तो एक असी बाहर बन दी है। लो जी वीरो एक दफा फिर टम्परेचर वाले मीटर कढ़ लेने इस टाइम बेस्ट टम्परेचर जा रहा है इंडोर जी 31 के तकरीबन है एक आन क्या पेटी के नती तो पहुँचने वाला है तो यह पहले का कट के रखे से 31 टम्परेचर आ बड़ा ही बेहतरीन टम्परेचर जा रहा खास करके ब्रीडिंग वास्ते तो ब्रीडिंग से याद आया तो फीमेल उन्होंने बाहर बने हुआ तो पाई हुई मैं खोल के अंदर करा तो मलका भी वेखो इधर बनी हुई है छां तो तरपाल लग गई बड़ी वी आई पी करके माशाला तो कम वेखो साडा बड़ा बेहतरीन चला गया एक दरवाजा साढ़े को पिया से ऑलरेडी इन्हीं तो असी फिटिंग कर ली है बार अलग साढ़े को दरवाजा नहीं है सू हम नवा लिया पैना ये बारे सोच रहे हैं कि करिए तो लकड़ा दरवाजा को बनया बनाया मिल रहा रेडीमेड लिया के फिर फिक्स कर लाँगे हम बेहतर रहेगा जिदा फिक्स हो गया बच्चे ठीक है कम हो गया पाएदार जहा यस है तो माड़ा माशाला वी आई पी जहा हो गया जे आप ही लगे कोशिश करन पखा शखा बिल्कुल पिछले लाया ताकि हवा आए आराम आराम लगे कि चार बार ला लाया तरपाल बन ली हम फिर आए फिर अभी तो चलो इन्हों को चार कवार जोड़े वो ला लीए तो माशाला चार बार कर दें गौर हूँ किया दरवाजे तक पहुँच गया है ये उत्ते भी लाने देना वार है जी ना ने एक किन्ने लाने वार दो एक तो बत्ता जहा बनया हुआ ना रेडीमेड जहा उन्हें उत्ते रख देंगे तो बत्ते तो अलावा दो बार लगने एक बत्ता ला के एक बार लगना ठीक है बत्ता ला के इन उपर दरवाजे उपर आएगा सपोर्ट आएगी तो इनके उत्ते एक बार लगेगा ये अपना यस मैस माहौल बन गया जी ये 5x5 का पूरा बनया खाना ठीक है जी 5x5 का माशाला खुली डुली जगह जिदा मर्जी भावें इतने हम डॉगी रखिए भाव मुर्गियाँ रखिए तो भाव मुर्गियों के जोड़े छड़िए भी कोई रौला नहीं है जनाब। लो जी वीरो माशाला तो जबरदस्त हो गया जी काम ठीक है तो असं भी जरा गए तुम पता सवेरे ईद आते एडवांस सारे वीर ईद मुबारक थोड़े वीर वालों ठीक है तो खुशकिस्मत ही होनी है कि साड़ी तो परदेसियों की कट्ठी ईद हो जाए इस करके एडवांस ही थोड़ा वीर तुम ईद मुबारक कहता जनाब तो ठीक है जी मैं पहले दस देंगे तो यह जी अपना मुर्गा अंदर बंद कर दिता जी बिलो भी अपनी जगह पर जनाब शिफ्ट कर दी है तो हले अंदरों कुछ कम रहा वा
ठीक है। दरवाजा असं लैन गए थे बरा जो सू मिले दरवाजा वह दरवाजा दोस्तों लकड़ी का सगा बरा लेकिन ठीक नहीं बन सही नहीं होंगे तो मैं कहो साढ़े वास्ते साढ़े जानवरों वास्ते ठीक नहीं है तो इस करके ए जबरदस्त काम हो गया जी। हम तुम कहते कि असं अनकंप्लीट जहा छ क्यों दिता एक तो सुबह ईद आ इस करके काम कर दे तुम पता कि अपना घर के काम भी करने से उधरों होकर हम डेरे से वापस आए हैं तो कुछ रेत सीमेंट पिया वा इंशाला ईद के दूसरे या तीसरे दिन काम जरा वा वह कर लवेंगे कंप्लीट तो यह हम दीवार जी होकर एक साडा मुकम्मल बन गया जी। जी बची जी हूँ मुर्गी ने बच्चे दिए हुए असी कल इंशाला तला अल्लाह के हुक्म नाल ईद वाले दिन छड़ सकते हैं ठीक है ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अभी तो माशाला हादी भी तो नाभिया फातमा भी दोनों आए माशाला रोटियां भोर भोर के उन्हें अपने हाथ फड़िया ने अपने हाथ फड़िया पापा वेखो इन्हें लगा रोटियां पान चूजे चूजे खाने के नहीं है बरीक बरीक करके पानिया से तो हम वेखो जी इन्हे की निकलता जी। एक तो मैं ऐ नर लगता एक ब्लैक नर लगता छोटू जड़ा आ एक ग्रे जहा सिल्वर जहा बच्चा वह नर लगता ठीक है बाकी तो मादियां लगदिया ने तो तुम दसो कमेंट करके तुम मैं आह नर लगता ब्लैक जरा दिखता तो एक आ सलेटा जहाँ जरा ना अल्लाह करे नर हो गए तो क्या ही बात है तो बाकी अल्लाह खैर करे 19 तारीख में इंशाला महीने के हो जाने जो तो महीने डेढ़ हो जाने तो फिर माँ नालों लैदा कर देने मैं छड़े हुए थे माशाला जी पूरी आर्मी अपनी सारी इतने खुली फिर रही थी तो हमने बंद कर दिए शहजाद जो गया बंद करके गया जी। मैं कहा जिंदर इतने मैं छड़ दें जान लगे बंद करके जावी तो मुर्गी वेखो उन्होंने माशाला ट्रे दे विच लैके बैठी थी मुर्गी मैं चेंज कर ली सी तो सारे बच्चे माशाला इस मुर्गी के नाल एडजस्ट हो गए ने। हाँ जी स्टैला जी आराम कर रहे हो जी अज स्टैला हो गए ने तकरीबन 12 दिन ठीक है जी 12 दिन हो गए इन हीट से आई नू तो कल मिस करावे 13 क्योंकि हले भी ब्लड कर रही है तो परसों 14 तो इंशाल्लाह तआला परसों जरा वा फिर ट्राई करांगे जी इनू अपने टोनी को क्रॉस करवाने जो टोनी को हो जाए तो वैल एंड गुड तो टोनी को ही हो जे टोनी को नहीं होंगी तो फिर मिस करवा देंगे नहीं तो फिर जो मैं ख्वाब आया कहना हसाना मैंने ख्वाब आया कि भाई जुगनू गुला जुगनू जरा स्टैला क्रॉस कर गया से कहना सलाल भाई ख्वाब भी आज ने पर सोचना सोचने सो गया कि करा कि नहीं करा तो मैं ख्वाब तो इंजी है कि जुगनू कोलो स्टैला जी क्रॉस हो गई है अल्लाह ना करे काम सच्चा हो अल्लाह करे टोनी को ही स्टैला क्रॉस हो जाए ताकि अच्छे बच्चे साढ़े जो प्रोड्यूस होने तो सा कमाल का शौक हो माशाला जी अलहमदुल्ला वेखो मलका भी अल्लाह के हुक्म के नाल दिन ब दिन माशाला रंग शंग बदलती जा रही है तो बस उधरों सरकारी केज कुछ बना लीए सारा निज़ाम उधरों सैट कर लीए तो उस करण तो बाद फिर मलका वास्ते कोई ना कोई निज़ाम बना के इन्हे उपर इतने ना मैं कहना कोई सोहना जहा हार्ट टाइप बना लेंगे इतने की छां हो दूसरे जिन्हें भी केजिस वगैरह ने ठीक है सारे इन्हों लाने तो बाद अपना दरवाजे वगैरह तो इन्हों खुली छड़ दिता जाए ताकि खुली पीरिया टूरिया करे तो इतने आ गया अपना खाना खाना खावे तो घा पाया सुबह घा अजकल सूँ इस करके ज़्यादा मिल जाएगा तुम्हें पता ईद का करके लोग क्यारियां छड़ रहे घर के बाहर लॉन शोन बनाने उन्होंने मशीन खुला के सफाई कर रहे हैं तो घा सुबह पाया तो हूँ माशाला वेखो उन्हें तूड़ी पाई नाल चोकर पाया तो वह लगी हुई अल्लाह के बंदे नाल खाण तो मोटो भी शोर कर रही है छड़ के देखदा अज फिर टोनी क्रॉस हो गया तो ठीक है नहीं तो 2-3 दफा मैं क्रॉस करवा चुके हैं जी तो रैगनार ने हो शर्म नहीं तेन बड़ा पीला पेशाब कर रहे हैं गर्मी हुई है जो ब्रीडिंग बॉक्स आ जिते देखा होना किसी मन आता सी एक तो इन भी जगह चेंज की है किधर धुप बड़ी देर तक रही है इस करके असी जगह नहीं चेंज करिए इन्हू इधर बनिया तो इतने छाल मार के थले चला जाएगा तो वैसे भी सेल आउट हो चुके हैं सिर्फ साढ़े को मानत पई है आई दे को 3-4 दिन गुजरने है तो इन्हें जनाब साढ़े को इतों अल्लाह हाफिज़ कह जाना जी सू ठीक है जी तो इनू धोता अच्छे तरीके वाश वुश करके धुप्पे रखे इनू हूँ मैं दनान भाई अंदर रखने लगे क्योंकि वो जो बॉक्स का ब्रीडिंग पहले पिया है बिलो वास्ते वो छोटा वा तो यह जो वा बॉक्स जो साइज के है 4x4 का वह है वा 4 इस तरह 3 इस तरह मैं हिसाब लाया वो बच्च बहनी घूमती जो वास्ते जगह थोड़ी है तो जो है जो चीज़ एक बॉल बनी हुई ऑलरेडी साढ़े को मैं कहता फायदा चकीए तो इनू उत्थे अंदर एडजस्ट करिए ताकि जोड़ा आ वह खुले डुलियन तुरे फिरे तो जो उन्होंने हजे बच्चे दे रहे हैं तो जो बच्चे देने के लिए हफ्ता 10 दिन होता है वा जो बच्चे देगी तो फिर आसानी नाल घूमे फिरेगी दारे को जाने में तकलीफ होंगी घूमना होंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई बच्चा उन्हें नीचे नहीं आएगा तो बाकी नए केज बनाए इंशाल्लाह तआला उम्मीद तक भी बन जाएंगे अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह तुहाडियां दुआवां दे नाल। लो जी वीरो वीडियो के आखिर वेखो तो साड़ी जनाब अज हो माशाल्लाह उत्थे चढ़ के खड़ी हुई है ठीक है यही कर रही है कहती तुहानू एडवांस ईद मुबारक खैर मुबारक खैर मुबारक आपको भी ईद मुबारक आपको भी ठीक है तो माशाल्लाह नाल अनमोल भी हुण तक खाण पीण लग पिया माँ दे सफाई सफुई इधर भी कर दी है तो खुली दे जो चढ़ते हैं सारी गल जो खुली दे चढ़ते खुली गंद भी मारते हैं तो माशाल्लाह अपना बच्चा जिहड़ा हैगा छोटा अनमोल खाण पीण लग पिया जी तो बकरी तुहानू थोड़ी भुखी भुखी लग रही होनी क्योंकि हुण इहने सिनू वंडा शंडा नहीं पाया तो जी माशाल्लाह साडे इत्थे पारक दी नमाज़ हो रही है ठीक है।
ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਮੌਜ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਐਤਕੀ ਬਲਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੈਂ ਮੰਗ ਲਈ ਚਲੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੋ ਈਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਈਦ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਲਦ ਵਾਲਦਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਖਿਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੁਆ ਕਰੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਫਾਏ ਕੰਮ ਲਾਜਲਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੋੜੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਈਦ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।